The Congress on Monday demanded that Prime Minister Narendra Modi apologize to former Vice President Hamid Ansari and former Prime Minister Manmohan Singh for insinuating that they were colluding with Pakistan to defeat the BJP in the Gujarat elections. Congress leader Anand Sharma, addressing a press conference, said, "Maniye Pradhan Mantri ji ke kal ke aur hal ke बयानों से एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात का पहले चरण का चुनाव हार चुकी है। ये भारत का दुर्भाग्य है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी निरंतर अपने पद की गरिमा को चोट पहुंचाते हैं और प्रधानमंत्री पद की साख को गिरा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने जो कल कहा वो निंदनीय है। पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने दशकों तक देश की सेवा की है, वो सम्मानित भी हैं और देश के प्रति निष्ठा में जो उनके निष्ठा रही, उनका योगदान रहा, उस पर भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसी बात कहना बड़े दुख की बात है। आज प्रधानमंत्री अपनी बौखलाहट में और भारतीय जनता पार्टी की निश्चित पराजय को देखते हुए लोगों को भावुक और भ्रमित करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री को अपने शब्द वापस लेने चाहिए और अपने पद की गरिमा को बनाने के लिए, जो उसको नुकसान हुआ है उसको थोड़ी भरपाई करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। The Congress was reacting to Modi's charge in a public meeting on Sunday in Gujarat. That Congress leader Manishankar Iyer's niche remark came after a dinner at his house the previous day, attended by former Pakistan Foreign Minister Khurshid Kasturi, its current High Commissioner in India, besides Ansari and Singh, among others.